भारत की सबसे पहली स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है और आधी अधूरी मैन्युफैक्चर्ड स्पोर्ट्स कार अब जंग खाने लग गई हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पहली और अकेली मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पुणे के तालेगांव की प्लांट में की जाती थी। 2012 के ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित अवंती दिलीप छाबड़िया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और भारत की पहली सुपरकार होने की वजह से जितना ये गाड़ी खबरों में छाई थी उतना कभी भी सेल्स के मामले में ऊपर नहीं चढ़ पाई। डीसी अवंती का प्रोडक्शन 2012 से स्टार्ट होकर 2016 में बंद कर दिया गया था और वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से इस गाड़ी में सेफ्टी के बेसिक चीजें तक मौजूद नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे इस मेड इन इंडिया सुपर कार में एयरबैग्स तक मौजूद नहीं थे। पुणे में मैन्युफैक्चर्ड इन गाड़ियों का प्रोडक्शन 2016 में बंद तो हो गया था, पर कुछ अमीर भारतीय फिर भी पहले से मैन्युफैक्चर्ड डीसी अवंती की ये गाड़ियां शौक के तौर पे खरीद रहे थे। मामला तब सामने आया जब ये पता चला कि डीसी अवंती की बहुत सारी गाड़ियों का सेम इंजन नंबर और चैसी नंबर था, मतलब एक ही इंजन और चैसी नंबर की कई अवंती सड़कों पे दौड़ रही थी और ये घोटाला केवल टैक्स बचाने के लिए किया गया था। इस कंपनी के मालिक पे ये इल्जाम तक लगाया गया कि वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां खरीद लिया करते थे और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेके बाद में इन्हीं गाड़ियों को कस्टमर्स को बेच दिया जाता था। इस घोटाले की वजह से कंपनी गवर्नमेंट का 40 करोड़ का घाटा करा चुकी थी, पर इस कंपनी के ओनर की अच्छी रेपुटेशन की वजह से ये मामला तब तक सामने नहीं आया जब तक मुंबई पुलिस ने सेम चैसी और इंजन नंबर की गाड़ियों को नोटिस नहीं किया था। इस कंपनी के बंद होने की वजह से भारत की पहली सुपरकार की ड्रीम का दी एंड हो गया और इस कंपनी की बनाई गई कई स्पोर्ट्स कार इनकी तालेगांव की फैक्ट्री में जंग खाने लगी हैं। बात करें इसके इंजन की तो डीसी अवंती को पावर देता था रेनो का 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो भारत में इम्पोर्ट किया जाता था। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने वाली इस गाड़ी की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आ की थी। ये कंपनी बंद होने से पहले अवंती के इलेक्ट्रिक वर्जन पे काम कर रही थी और भारत की फुल्ली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के लिए पावर ट्रेन एक स्विस कंपनी डिजाइन कर रही थी, पर इस घोटाले के बाद अब ना के बराबर ही चांसेस हैं इस गाड़ी के भारतीय रोड्स पर उतरने के। ये बहुत ही शर्म की बात है कि कुछ गिने चुने बिजनेसमैन की वजह से भारतीय इंडस्ट्री को ना केवल नुकसान पहुंचता है बल्कि इस इंडस्ट्री की इमेज भी खराब होती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ और भारतीय स्टार्टअप सामने आए जो जिम्मेदारी से मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं और इस वीडियो से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।